झालावाड़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण अमेटा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक हुई आयोजित। युवाओं को नशा नहीं करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के दिए निर्देश। राजस्थान विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा पवित्रा भारद्वाज बनी दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज की प्राचार्य। समग्र शैक्षणिक वातावरण में सुधार के लिए कड़ी मेहनत करने की जताई प्रतिबद्धता। बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय का किया निरीक्षण। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते हुए शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने के शिक्षकों को दिए निर्देश। सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने हिसार सैन्य स्टेशन का किया दौरा। डॉट ऑन ग्रेड डिवीजन की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और आयुक्त रुक्मणी रियाड ने गणेश चतुर्थी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के तहत व्यवस्थाओं के संबंध में किया पैदल दौरा। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खेल दिवस के अवसर पर निकाली गई प्रभात फेरी। मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर किया माल्यार्पण। चित्तौड़गढ़ में अटल भूजल योजना के अंतर्गत एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन कार्यक्रम हुआ आयोजित। 40 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों और कनिष्ठ सहायकों ने लिया भाग। बीकानेर में राष्ट्रीय खेल सप्ताह के तहत 40 किलोमीटर साइकिल रेस के विजेताओं को किया गया सम्मानित। खिलाड़ियों को उचित खुराक लेने की दी गई सलाह। जोबनेर के कृषि विश्वविद्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। विश्वविद्यालय स्टाफ ने विद्यार्थियों के साथ खेलों में भाग लेकर बढ़ाया विद्यार्थियों का मनोबल। दौसा में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई आयोजित। पानी बिजली जैसे मूलभूत समस्याओं पर की गई चर्चा। बालोतरा के पचपदरा में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विद्यार्थियों ने विभिन्न चर्चाओं में बढ़ चढ़ कर लिया भाग। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने अलवर में होमगार्ड सहजुद्दीन को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। होमगार्ड में सिपाही के पद पर नियुक्ति दिलाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। जयपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र अभिनव सिंह 12वीं कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट वेलिंगटन में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। डीग जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने जलमहल के कुंड में साफ सफाई अभियान का किया नेतृत्व। लोगों से कुंड में कचरा न डालने की करी अपील। और जयपुर में पोषण भी पढ़ाई भी विषय पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया आयोजित। आईसीडीएस के निदेशक ओपी बुनकर ने बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने का किया आह्वान।